जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मोस्टली KX21 में ये होता है कभी कभार कि लाइस का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो फिर HB का जो है वो एरर आना शुरू हो जाता है। तो HB की जो वैल्यू है हमें पहले वो चेक करनी चाहिए। इसके लिए हम ये सिलेक्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 7 मेंटेनेंस में आएंगे और स्टेटर डिस्प्ले 5, ये इसकी वैल्यू देखें। HB कन्वर्टर ये आपकी 1900 से लेके और 2200 के दरमियान होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो है वो 42 पे है, ठीक है। अगर इवन ये 1500-1400 तक भी होगी तो एरर आएगा स्टिल। तो इसको स्टेबल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम चलेंगे इसके ऊपर। इसके पीछे एक वेरिएबल लगी हुई है यहाँ पे, इस वेरिएबल को हम जो है वो ठीक करेंगे, इससे वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये वहाँ पर मैंने वेरिएबल पर लगा दिया। अब हम इसको लेके जाएंगे 2000 के क्लोज। ठीक है, ये 1942 के समथिंग आपने कर देना है, ठीक है। अब आप आएंगे बैक पे, फिर हेल्प का बटन दबाएंगे और एग्जीक्यूट करना चाहे तो एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपका HP का जो एरर है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर देना क्योंकि हमने क्लीनिंग पहले करवाई हुई थी मशीन की, क्योंकि मोस्टली यूज़र जो हैं वो क्लीनिंग करवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब HP की पहले आपने वैल्यू चेक करनी है, अगर वैल्यू आपकी जो है वो 1700 से कम है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ये अब हमारी मशीन जो है रेडी हो गई है, हमने इसको एक स्लिप पिला देना, ये फिर आगे चलना शुरू हो जाएगी। ये अब नया प्रिंट निकलेगा, आपको प्रिंट दिखाते हैं। लें जी, अब हम लगाने लगे हैं एक सैंपल लगाते हैं इसके बाद, सर उसका भी रिज़ल्ट हम देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। लगाएं सर जी सैंपल। ठीक है जी, इसकी HP आ गई है 13.6, HTC 39 के राउंड अबाउट ही है, तो बिल्कुल ठीक है।